लेज टाइम्स। लेज टाइम इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जश्न रेखता के प्रोग्राम में। हमने और भी स्टॉल पे गए, यहाँ भी आप स्टॉल देख सकते हैं। हमारे पीछे जो स्टॉल लगा हुआ है, पुरानी दिल्ली वालों की बातें, तो हम जानने की कोशिश करेंगे क्या पुरानी दिल्ली वालों की क्या बातें हैं और ये स्टॉल क्या लगा रखे हैं, किस तरह के क्या दिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम फरहीन है जी, और मैं पुरानी दिल्ली वालों की बातों की एक टीम मेंबर हूँ। पुरानी दिल्ली वालों की बातें एक कॉन्सेप्ट है जो पुरानी दिल्ली के हेरिटेज, आर्ट, कल्चर, इन सभी चीज़ों को नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करता है। वी प्रिजर्व दी हेरिटेज ऑफ ओल्ड दिल्ली एंड प्रमोट इट वर्ल्ड वाइड। सो पुरानी दिल्ली वालों की बातों के इस स्टॉल पर आज आप देख सकते हैं पुरानी दिल्ली की फोटोग्राफी, खास तौर पर पुरानी दिल्ली में चलने वाली वो लैंग्वेज जिसे हम स्लैंग लैंग्वेज कहते हैं पुरानी दिल्ली की, उसको हम प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लैंग्वेज है जो है। एक दो दिखा सकते हैं जी, बिल्कुल। ये देखिए कौन सा लैंग्वेज कहते हैं सर? पुरानी दिल्ली की टकसाली जबान। टकसाली जबान पुरानी दिल्ली की। और क्या है खासियत पुरानी दिल्ली की? पुरानी दिल्ली के आप ये देख सकते हैं, आप मुलाकात करें जनाब चंगेज़ी साहब से, मिर्ज़ा सिकंदर चंगेज़ी साहब जी। आप पुरानी दिल्ली में ही रहते हैं? जी हाँ, मैं शाहजहांबाद में रहता हूँ। जब से शाहजहां आए थे आगरा से, फिर मेरे ख़ानदान जामा मस्जिद एरिया में रहते हैं हम लोग। तो इसमें हमारे कुछ चीज़ स्टॉप आप देखेंगे तारीखी जो हैं, इसमें ये पेंटिंग है 1857 से पहले की, चांदनी चौक की देख रहे हैं आप। ये ये देखिए, इसमें बीच में नहर कैसा दिखता था पहले, 1857 से पहले का चांदनी चौक है ये। वाकई चांदनी तो अभी भी दिख रहा है। हाँ, दूसरी चीज़ की पेंटिंग है, ऐसा चांदनी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा पहले था। और ये शाही ज़माने का मीना बाजार हुआ करता था, देखिए अब ये इस तस्वीर में शाही दिल्ली का मीना बाजार शाही ज़माने का जो हुआ करता था बिफोर। और एक अहम पेंटिंग ये है कि दिल्ली में एक आखिरी मुशायरे होता है 1845 के अंदर, दिल्ली की आखिरी शमा, जिसकी पेंटिंग है देखिए आप। इसमें अंदर का है क्या? नहीं, ये हौस काजी का है, जो वारबेग की हवेली है वहाँ हुआ वो था मुशायरे। और दूसरा एक अहम पेंटिंग हमारे पास ये और है, दिल्ली में होता था बैसाखी का फेस्टिवल और फालिस का, तो इसकी तस्वीर है ये देखिए आप, बड़ी बिफोर पार्टीशन। तो बहुत यादगार चीज़ें हैं यहाँ पर हमारी। एक यहाँ हमारे पास तुर्की टोपियाँ भी हैं जो बहुत दिल्ली वाले इस्तेमाल करते थे। ये देखिए टोपियाँ हैं, तुर्की टोपी जी। हाँ, ये दिल्ली में बड़ी इस्तेमाल होती है, शाहजहाँ के ज़माने से इस्तेमाल हुआ करती थी। मुझे तो ऐसा लगा कि मिर्ज़ा गालिब का तो नहीं है। नहीं, उनका दूसरा स्टाइल था, वो उनका अलग टोपी थी उनकी स्टाइल की, उसका नाम था कुलाए पखपाख जो पहना करते थे मिर्ज़ा गालिब जी। हाँ, बहुत। इसके अलावा देखिए कुछ हमारी जो है ये आप ये बताशे हैं पुरानी दिल्ली की, हम पेश करते हैं जो हमारे मेहमान आते हैं यहाँ पर जी, इस फेस्टिवल के अंदर, तो उनको मीठा चीज़ खिलाया जाता जी। हाँ, उनका वेलकम करते हैं इससे मीठे से। बाकी इसके अलावा हमारा कुछ पोस्टर हैं जो वेल नोन पोस्टर, मिर्ज़ा गालिब हैं, जोक के पोस्टर हैं, दाग, मोमिन, इमाम सहबाई, मीर तकी मीर, तो हमारे पोस्टर हैं सारे ये। ऑल्सो आप देखेंगे पुरानी दिल्ली में चाय का बहुत चलन है, तो चाय के पोस्टर्स यहाँ पर हमारे स्पेशल हैं। और इसके साथ साथ पुरानी दिल्ली को प्रमोट करती हुई, या कहें कि दिल्ली को प्रमोट करती हुई ये बुक, दिल्ली की औरत, द वुमेन ऑफ दिल्ली, दिस प्रमोट्स द वुमेन ऑफ दिल्ली, दिस इज़ क्या खासियत है इस बुक्स में? इसकी खासियत अगर मोहतरमा बुशरा अली रज़ाक साहिबा बताएं तो बेहतर होगा, बिकॉज शी इज़ दी एडिटर ऑफ द बुक जी। जी, ये एक कलेक्शन है, एंथोलॉजी है, इसमें 94 पोएट्स ने अपने पोएम्स लिखे हैं दिल्ली की औरत के ऊपर। अच्छा। तो ये तीन लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू में है ये बुक। जैसे कुछ एक दो कुछ एग्जांपल दे दीजिए पोएम्स की। इधर रज़िया सुल्तान के ऊपर बहुत सारे पोएम्स हैं, जहाँरा बेगम पे के ऊपर हैं, ज़िबनुसा के ऊपर हैं, और जैसा दिल्ली की औरत आप कहते हैं तो अभी निर्भया के ऊपर भी बहुत सारे पोएम्स हैं, तो ऐसे मॉडर्न वुमेन के ऊपर। और जो ट्रेडिशनल जी जी, मैं एडिटर हूँ। और ख्याल आया कि ये लिखना चाहिए? नहीं, मेरा एक पोइट्री ग्रुप है दिल्ली बाय वर्स। अच्छा। तो बस उससे लेकर मेरे था कि एक एंथोलॉजी निकालूँ, तो मैंने सोचा कि पहले दिल्ली की औरत के ऊपर एक एंथोलॉजी निकालूँ, तो ये फर्स्ट एंथोलॉजी है ये ग्रुप की। तो अब और नेक्स्ट क्या सोचा है आपने? अब नेक्स्ट, अब दिल्ली के ऊपर लोगों से कहूँगी कि पोएम्स लिखें, और वो कलेक्शन में एक एंथोलॉजी निकालूंगी उस पर भी। ये ख्याल है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये है हमारा जी। जश्न रेखता प्रोग्राम में देखिए स्टॉल लगा हुआ है, हमने यहाँ दिल्ली वालों की जो बातें हैं वो यहाँ दिखाया है। इस स्टॉल पर लिखा हुआ है इश्क उर्दू, तो हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ कि
इश्क उर्दू लिखने लिख कर के ये स्टॉल लगाए हैं, ये क्या चाहते हैं और यहाँ क्या थीम है इनका और ये क्या दिखाना चाहते हैं? तो सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। आदाब है, मैं नशीत हूँ जी। जी, और हम लोग ये इश्क उर्दू का एक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पेज रन करते हैं जिसका मकसद है कि उर्दू को कंटेम्प्राइज करना। तो मतलब उर्दू को दौरे हाजिर से हम किस तरीके से जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम हमेशा उर्दू की बात करते हैं, एक पुराने ज़माने में हम पहुंच जाते हैं, बट हम चाहते हैं कि उर्दू को हम कंटेम्प्रेरी बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक पोस्टर सीरीज़ है जिसमें हमने, अगर आप ये देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या किया कि हमने एक थीम ली कि उर्दू के बगैर बॉलीवुड क्या होगा। सो दिस इज़ लाइक अ फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो अगर मिसाल के तौर पर हम बॉलीवुड डायलॉग में से उर्दू निकाल दें सिर्फ उर्दू की अहमियत पे फोकस करने के लिए, तो डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है बन जाएगा, डॉन को पकड़ना कठिन ही नहीं असंभव है। जैसे दिलवाले दुल्हनिया का एक बड़ा मशहूर डायलॉग है, जा सिमरन जा, जी ले अपनी ज़िंदगी की जगह, व्यतीत कर ले अपना जीवन। तो ये सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई उर्दू हमारी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। तो उसी लिहाज से ये हमारा पूरा पेज इश्क उर्दू के नाम से है, जो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, आप जो बोल रहे हैं बॉलीवुड जो है जी इस उर्दू के बिना अधूरा है जी, तो दूसरा पहलू तो आपने बताया नहीं, आप तो सिर्फ ये पहलू बताया जी। जी, सॉन्ग में क्या यूज़ होते हैं उर्दू के, जो सेंटेंस हैं उर्दू के, जो वर्ड हैं प्रोनाउंसिएशन में किस तरह से? जी जी, तो असल में बॉलीवुड में जो ख़ास तौर पे गाने हैं, अगर आप शुरू से देखें तो बॉलीवुड में जो सबसे ज़्यादा राइटर्स हैं वो उर्दू राइटर्स हैं। तो इसीलिए शुरू से बिल्कुल 40s 30s से जो उर्दू के पूरे नगमे हैं वो ज़्यादातर वो उर्दू पोइट्री से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो आज तक भी जितने गाने हैं उनमें बहुत ज़्यादा उर्दू इस्तेमाल होती है। मतलब जितने भी गायकार हैं उन्हें उर्दू की जानकारी होनी चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल होनी चाहिए, बिकॉज जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जो उर्दू का तलफ्फुज़ है वो बहुत ज़रूरी है, गायक के लिए भी, लिखने वाले के लिए भी, सबके लिए। देखिए, इश्क उर्दू के हम स्टॉल पे आए हुए थे, इन्होंने बात बताई कि बॉलीवुड जो है वो अधूरा है बिना उर्दू के। तो हम और स्टॉल पे भी जाएंगे और यहाँ जो स्टॉल लगे हुए हैं इस प्रोग्राम में, जश्न रेखता के प्रोग्राम में, तो हम वो दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। जश्न रेखता के प्रोग्राम में हम आए हुए हैं, यहाँ स्टॉल आप देख सकते हैं, नुक्कड़ टेल्स के नाम से यहाँ स्टॉल एक है, आप यहाँ देख सकते हैं स्टॉल को। और हमारे साथ हैं आमिर, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की यहाँ जो है टेल्स हैं। जी, सबसे पहले तो लेस्ट चैनल में आपका स्वागत है, और आप किस तरह का ये टेल्स जो बना रहे हैं, क्या है इसकी खासियत? तो ये हमारा प्रोडक्ट वेबसाइट लॉन्च करने का और ये एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का आइडिया ये है नुक्कड़ टेल्स का, कि नुक्कड़ की जो कहानियाँ हैं, नुक्कड़ की कहानियाँ होती हैं, नुक्कड़ की कला होती है, नुक्कड़ के प्ले होते हैं, नुक्कड़ की चाय होती है, खाना होता है। तो ये एक पार्ट है नुक्कड़ का कि ये हाथ से बना हुआ है, ये हाथ का बना हुआ पीस है, यानी पूरा एक शीट है, ये पूरी की पूरी एक शीट है, ये हाथ से कटिंग हुई है, हाथ से कार्विंग हुई है इसके अंदर। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो मशीन से है, हालांकि मशीन से कटा है बट हाथ ने काटा है मशीन से। तो हमारा ऐसा नहीं है कि इसे चिपकाया गया, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारा आइडिया ये है कि जो नुक्कड़ के लोग हैं, जो काम करते हैं, उनके काम को बढ़ावा दें। और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें टेल्स में? अब जैसे ये रेखता है, उर्दू से रिलेटेड हमारी थीम है आज, तो इश्क उर्दू है हमारे पास, इश्क उर्दू देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल एक शीट है और इसमें कोई कटिंग नहीं हुआ हुआ है, मतलब कि अलग अलग से जोड़ा हुआ नहीं है, पूरा वही काटा गया है, देख सकते हैं आप। ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं दीवार पे लगा सकते हैं। एक यहाँ आर्ट में देखिए दिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ये किस तरह से घर में भी लगा सकते हैं हम। और इसे देखिए आप, ये आमिर साहब का स्टॉल है। हाँ जी, तो इसको हम दीवार पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इसको दरवाजे पे भी लगा सकते हैं और इसको अपने टेबल पे भी रख सकते हैं, इसको हम कस्टमाइज भी करा सकते हैं। अब जैसे ये है तो ये कस्टमाइज्ड है, इसके अंदर दो नाम जुड़े हुए हैं और ये भी एक शीट में बना हुआ है। अच्छा, तो हम कस्टमाइज भी करते हैं और ऐसे हम वर्ड्स भी बेचते हैं। तो आइडिया ये है कि एक वाइब होती है किसी भी घर में, अगर हम पॉजिटिव वाइब्स लिखेंगे तो एक आप पढ़ोगे कोई चीज़ तो आपको फील होगी कि हाँ, जब आप किसी चीज़ को देखते हो और उसका मतलब आप एकदम समझ जाते हो पॉजिटिव, आपके जहन में जैसे ही आप पॉजिटिव वर्ड सुनते हो तो आपके जहन में एक
वर्ड आता है कि ये पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है, तो अगर आप पॉजिटिव देखोगे तो आपका दिन पॉजिटिव रहेगा। तो दीवार पे अगर लगा है देखेंगे तो हम नेगेटिव डिप्रेशन में चले जाएंगे, तो जैसा सोचेंगे वैसी आपकी वाइब्स रहेंगी। तो ये लिखने का और करने का एक यही मतलब है कि हम इसको एक पॉजिटिविटी भी फैलाएं और जो हाथ का काम है उसको प्रोपोगेट करें। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं एक नहीं बहुत सारी चीज़ें जो है ये सब बना हुआ है। नुक्कड़ टेल्स के नाम से ये स्टॉल लगाए हुए हैं आमिर साहब। हम और भी स्टॉल में जाएंगे और आप तक यहाँ के जो प्रोग्राम है जश्न रेखता का वो आप तक पहुँचाएँगे। हमारे पीछे देख सकते हैं जश्न हैशटैग जश्न एकता लिखा हुआ है और हमारे साथ यहाँ बहुत सारे लोग हैं, यहाँ जश्न एकता के प्रोग्राम में आए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में आए आपको कैसा लगा। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। पलाश कंदार। कहाँ से आए हैं आप? मैं कालकाजी से आया हूँ। तो इस प्रोग्राम में आप क्या सोच कर आए? मुझे उर्दू लैंग्वेज बहुत पसंद है और स्पेशली मुझे शेर व शायरी, और मैं आया हूँ ख़ासतौर से वसीम बरेलवी जी को सुनने, बट वो आज नहीं आ रहे, वो कल या परसों आएंगे। तो आज मैं वडाली बदर जी को सुनूंगा एंड होपफुली टुमारो और डे आफ्टर टुमारो वो आएंगे तो मैं उनको सुनूंगा। यानी उर्दू आपको पसंद? उर्दू लैंग्वेज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस तरह से आज हिंदू जो है हिंदी जो है हिंदुओं में बांट कर रख दिया गया है और उर्दू जो है मुसलमानों में बांट कर रख दिया गया है, जबकि उर्दू जबान तो मुसलमानों की है नहीं। सर देखिए कोई ज़बान किसी को नहीं बांटता, ना आपका लैंग्वेज जो आप कह रहे हैं कि हिंदी ने बांट दिया, हिंदी ने नहीं बांट दिया, वो तो रिलीजन पे आपस में टाइम पास कर रहे हैं लोग। चल रही है आम पब्लिक नहीं मतलब रखता है, आम उससे कोई बिल्कुल मतलब नहीं है। हम तो उर्दू जबान को पसंद करते हैं, उसके कैसा लहजे को। उर्दू बोलने में कैसा लगता है, अगर कोई बोल रहा हो तो कैसा महसूस होता है? बहुत बेहतरीन भाई जी जनाब, तो उस लहजे में एक अपनापन है, एक प्यार है, मोहब्बत है। देखिए और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित बर्मन है और मैं कालकाजी से आया हूँ। मैं हाँ जी, तो कैसे में सुन के बड़ा मज़ा आता है। देखिए और भी लोग हैं, क्या नाम है आपका? अचल जैन। अच्छा आप इस प्रोग्राम में आए, आप क्या क्या देखा यहाँ, किस तरह का कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे नुमाइश थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी अलग अलग, उर्दू के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला कि उर्दू मतलब काफ़ी सारे पॉइंट्स की बुक्स वगैरह। और सबसे अच्छी बात है रेखता की कि ये पुराने पॉइंट्स को तो मौका देता ही है, साथ के साथ नए नए जो पॉइंट्स हैं उन्हें भी मौका मिलता है, उन्हें भी अपना पोइट्री वगैरह या कविताएं सुनाने का मौका दिया जाता है। जो रेखता जो चला रहे हैं संस्था वो हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं, और इतने वो बताइए कितना प्यार करते हैं उर्दू से। तो सर रेखता ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, मतलब उर्दू भी नहीं है जो आजकल कहा जा रहा है कि उर्दू मुसलमानों का, मुसलमानों की लैंग्वेज नहीं है। हाँ सर, इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं एक हिंदू होकर के। तो सर मैं तो वही कह रहा हूँ ना, ना उर्दू मुसलमानों की है ना हिंदुओं की है, वो हिंदुस्तानियों की भाषा है सर। हिंदुस्तानियों की भाषा है बिल्कुल। और क्या देखा आपने यहाँ पे? सर अभी वो मुरारी बापू जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेशन किया, उन्होंने भी बोला कि बहुत बहुत आशीर्वाद और ये सब। तो देखा जाए तो एक उर्दू के प्रोग्राम में जिसे मुसलमानों की भाषा कहा जाता है वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे एक हिंदू महाराज को बुलाया जाता है। और इस प्रोग्राम को चलाने वाले एक हिंदू हैं जी सर, यही तो हमारे देश की खासियत है। खासियत है ना, गंगा जमुना तहजीब जो कहते हैं हम। यस सर, है ना, यहाँ कोई दूरियाँ नहीं है, हिंदू हो चाहे मुसलमान। सर उर्दू देखा जाए तो बेसिकली एक वो भाषा है और बहुत तहजीब वाली भाषा है, यहाँ तक कि लखनऊ के अंदर भी काफ़ी सारे हिंदू इतनी गजब की उर्दू बोलते हैं, शायद बाकी जगह के लोग भी इतनी अच्छी उर्दू ना बोले। उर्दू के बड़े बड़े शायर हुए हैं जो हिंदू हैं। हाँ जी सर, बहुत बड़े बड़े शायर हुए। तो एक शेर पेश करना चाहूँगा। जी, जी बिल्कुल, बिल्कुल सुनाऊँ सर बिल्कुल। मैं भी पोइट हूँ, मैं भी लिखता हूँ। हाँ, समुंदर के सुकूत की बात अलग है, समुंदर के सुकूत की बात अलग है, लहरों में वो ठहराव कहाँ, समुंदर के सुकूत की बात अलग है, लहरों में वो ठहराव कहाँ, जो बातें निगाहों ने कह दी, जो बातें निगाहों ने कह दी, अल्फाजों में वो बात कहाँ। वाह
वाह क्या बात है, इन्होंने तो बहुत अच्छी शायर किया। और देखिए जश्न रेखता के प्रोग्राम में यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में आए और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। जी सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। डॉक्टर रविंद्र सबरवाल। कहाँ से आए हैं आप? नांगलोई दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं इस प्रोग्राम में आप आए हैं? बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा सुकून मिलता है लोगों को देख के, लोगों के हाव भाव देख के, माहौल देख के, बड़ा दिल बाग बाग हो जाता है, मतलब हर बार आने का मन करता है। उर्दू आपको कैसा लगता है? उर्दू तो बड़ी प्यारी जुबान है, मुझे आती नहीं है ज़्यादा, पर बहुत सुनने में बड़ा मज़ा आता है, सुकून मिश्री सी उर्दू बोले कुछ। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, शेरो शायरी मतलब कि हम नहीं करते हैं पर सुनते हैं। जश्न रेखता का प्रोग्राम चल रहा है, आपको पता है ये जो प्रोग्राम करा रहे हैं वो मुस्लिम नहीं है? संजीव श्रॉफ जानते हैं ना? हाँ बिल्कुल। आज जिस तरह से देश में उर्दू को कहा जा रहा है, ये तो मुसलमानों का है। नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे कौन करा रहे हैं? नहीं नहीं ऐसा, ये तो हिंदुस्तानी जुबान है, पॉलिटिकल मतलब कि लोगों का प्रोपेगेंडा है कि आप कह देंगे मुस्लिम। अब इंग्लिश हम सीखते हैं, हम बहुत लोग बोलते हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि हम अंग्रेज हो गए हैं या यूके के हो गए। बिल्कुल सही बात। तो जुबान जो है वो तो सबकी है, जिसको जो पसंद आ जाए वो उसकी है। जी आपका क्या नाम है? पृथ्वीराज। कहाँ से आए आप? दिल्ली से ही हैं। दिल्ली से ही हैं। आपको कैसा फीलिंग हो रहा है यहाँ? सर मैं ये बता रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि जो मैं एक्चुअली बैंक में सर्विस करता हूँ और जो वहाँ पे सारी टेंशन वेंशन होती है, यहाँ आके ऐसा लगता है हम बिल्कुल सब चीज़ों से अलग हो गए। बिल्कुल पीसफुल है, बहुत सुकून मिलता है। और यहाँ जब आके देखते हैं लोगों को कि उर्दू से इतना लोगों को प्यार हो रहा है, लोग सीखना चाहते हैं और आ रहे, और जो जेंट्री मैं देखता हूँ उनमें लगता है अगर ये लोग बाहर मिलें लगता ही नहीं कि ये उर्दू के शौकीन हो सकते हैं जो आज के लिए जनरेशन आ रही है। लेकिन जब मैं यहाँ आके देखता हूँ तो लगता है ये भी सीखना चाहते हैं, बिल्कुल अलग दिखता। बिल्कुल यहाँ मुस्लिम है उतना ही हिंदू भी आए हैं, मुझे लग रहा है ज्यादा हिंदू है, ज्यादा हिंदू लगते हैं। स्टॉल को आप देख सकते हैं, जश्न रेखता प्रोग्राम तीन दिन का ये प्रोग्राम है, सियासत इस्लामिक आर्ट गैलरी हैदराबाद। हम यहाँ मौजूद हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस गैलरी में क्या कुछ खास है, तो हम इन्हीं से बात करेंगे। जी सबसे पहले तो आप नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? मोहम्मद मजहरुद्दीन नाम है, हैदराबाद से आए। जी ये किस अखबार की तरफ से ये लगा? ये सियासत द सियासत डेली हैदराबाद। जी जी सर। तो इसमें जो आपने आर्ट किया हुआ है जी सर, कहाँ कहाँ क्या क्या मतलब जो मैसेज जा सके पब्लिक में कि क्या मतलब कुछ अलग है इसमें? जैसे कि ये देखिए, जैसे कि ये उड है सर जी, तो ये एक ही उड है, ये सिंगल पीसेस हैं और इसमें वो सुराख कर करके जाली बना करके अल्लाह का नाम 99 नाम इसमें डाले सर। 99 नाम है जी, सब अलग एक नेम से, एक लिफ पे एक नेम से सर, ये एक ही नाम में देखिए, एक लिफ्स पे पूरा 99 नाम अल्लाह का लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से दूसरा है, छोटी सी ये देखिए, इसमें भी अल्लाह के नेम से अल वदूद लिखे हुए, देखिए। अच्छा, अल वदूद लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ एक ही लिफ्स पे जी। और क्या कुछ है? जैसे ये देखिए सब घड़ी है जी, तो इसमें सिर्फ मार्केट से हमने इंजन खरीदा, बाकी हर चीज इसमें भी अल्लाह के नेम से डाले, देखिए। ये मतलब खुद की आपकी ही कारीगरी है? जी सर, है ना? जी सर, सारा इस्लामिक मतलब जो भी है वो जी इसमें आप दिखा रहे हैं सर। जी सर, है ना? जी। और इस स्टॉल में और क्या खास है इसमें? हमारे पास वो देखिए बच्चियाँ करती जी, चलते हैं दिखाइए आप कहाँ क्या है। जी देखिए, ये बच्चियाँ करती कपड़े पे करती सर। अच्छा, ये आप इसको इधर दिखाइए आप इसको, आप ऐसे देखेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे भी देखेंगे तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अच्छा, ये इसमें ये खासियत है, दोनों तरफ से देखें तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे भी देखेंगे तो मीम है, मीम दाल मोहम्मद। देखिए इसमें यह खासियत है, उल्टा सीधा दोनों में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। और क्या इस स्टॉल में है जी, कुछ और दिखाएं? वो एक निर्मल मोहम्मद आदम को जानते हैं जी, वहाँ के प्रोफेसर हैं।
ये हैंड वर्क है. अच्छा हैंड वर्क है ये. निर्मल आर्ट बोलते हैं इसको. अच्छा कलर से फ्लेक्सी बोर्ड पे अपने हाथ से जी अपने हाथ से ये पूरे ये झाड़ वगैरह जो भी है सब हाथ से किए हुए हैं. जी जी सर. कितना लंबी दाढ़ी है उनकी. और देखिए डिफरेंट आर्ट्स है. हाथ से किया हुआ है ये. और ये हमारे पास पेंटिंग्स है. अच्छा जी. ये और वो बिस्मिल्लाह का बता रहे थे वहाँ लिखा हुआ जो है. जी सर कौन है ना बिस्मिल्लाह का एक बता रहे थे ना वो क्या है. ये आइए बतला रहे सर आप. ये बिस्मिल्लाह हुजूर के ज़माने का है. अच्छा जी जी. ये हजरत अली लिखते थे ऐसे. इसमें नुक्ता जजर जेम कुछ नहीं भी नहीं है, नहीं है सर. जी उस टाइम नहीं रहते थे. जी जी. ये देखिए हुसैन रजी अल्लाह ताला अनु के दौर का ये. जी ये हसन रजी अल्लाह ताला अनु के दौर का है. अच्छा. और फिर उसके बाद सुलेमान रजी अल्लाह ताला ऐसे लिखते थे बिस्मिल्लाह. अच्छा, सबके राइटिंग में फ़र्क है. जी सर ये भी सेम है. जी सेम है. देखिए बिल्कुल ये दोनों सेम है सिर्फ वुड के मतलब कलर चेंजेस. उस वक्त जो है जज़म जेर तस्दीद नहीं हुआ ये करते सब नहीं हुआ करता था. जी सर. अच्छा और क्या खास यहाँ है और कुछ. ये देखिए जैसे कि ये देखिए ये बम्बू है सर. अच्छा ये बम्बू से बनाया गया है. उसके बाद ये उड पे जी उड पे किए गए अल्लाह और मोहम्मद दोनों एक साथ लिखे हुए. इसमें नीचे मोहम्मद है ऊपर अल्लाह लिखे हुए. जैसे कि आप ये देखेंगे आप इसको जैसे भी घुमा लो आपको मोहम्मद मोहम्मद ही दिखता. देखिए बहुत ही यूनिक चीज़ है. यहाँ जिस तरह से भी घुमा ले ये मोहम्मद ही यहाँ दिखता है. जी सर जैसे घुमा ले आप मोहम्मद ही दिखता है. जैसे कि एग्जांपल बता रहे आपको मीम है मीम दाल दाल मोहम्मद मीम है मीम दाल. इसको एक फ्लावर का शेप देकर दिया गया. फिर मैं ये देख सकता हूँ. देखिए हैदराबाद से यहाँ आए हैं और यहाँ स्टॉल लगा हुआ है और इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई है. जश्न रेखता का प्रोग्राम यहाँ चल रहा है ध्यानचंद स्टेडियम में. अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. स्क्रीन पर दिए माइक के बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.